पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के 60 घंटे बीत गए और अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। पर रुपेश के घर जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहुंचे तो रुपेश सिंह की बेटी की आंसुओं को देख वे खुद को रोक नहीं सके। रुपेश सिंह की इस बेटी ने सुशील मोदी को जो कहा उसे सुनकर सुशील मोदी भी रो पड़े। रुपेश की बेटी ने क्या कहा आप सीधे सुनिए। हम देखिए सर एक ही बात बोले पूरे पकड़ा जाएगा तो पहला गोली जो मैंने मेरे पापा मारेंगे प्लीज बाप जी मेरे पापा का इंसाफ बता दीजिए। मैं रोटी पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं उसे देंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से डर ही लगेगा। अपराधियों के शिकार रुपेश सिंह के घर जब सुशील मोदी पहुंचे ये तस्वीर तब की है। इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे सुशील मोदी रुपेश की विधवा को सांत्वना दे रहे हैं और बच्चों को अपने से लिपटा रहे हैं। हृदय को तार तार करने वाली इस तस्वीर के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री से आज शुक्रवार को पत्रकारों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार बौखला गए। आप इस तस्वीर को भी देखिए। क्या बिहार में कानून व्यवस्था कायम है या यहाँ कानून व्यवस्था पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं? अपराध के मुद्दे पर जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो नीतीश कुमार झंझुला गए और उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया पर ही सवाल उठा दिया कि मीडिया विपक्ष की तरह बात कर रही है। दरअसल आज सुबह नीतीश कुमार पटना के दिघा आर ब्लॉक नवनिर्मित 6 लेन सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे और मीडिया को सड़क की खासियत बता रहे थे कि मीडिया ने उनसे सीधा सवाल कर दिया कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और बिहार में अपराध चरम पर है। इतना सुनते ही नीतीश कुमार विफर उठे और उन्होंने कहा कि आप लोग किसकी भाषा बोल रहे हैं हम समझते हैं। पत्रकारों ने कहा कि सरकार अपराध के मामले में फेल है और सरकार के पुलिस अधिकारी लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। दरअसल 10 मिनट तक पत्रकारों के सामने नीतीश कुमार सुशासन की दुहाई देते रहे और मीडिया कर्मी नीतीश कुमार के दावे को खारिज करते रहे। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया से ये भी कहा कि आपको किसी अपराध के बारे में जानकारी मिलती है तो सीधा हमें बताइए। इस पर मीडिया ने पूछा कि जानकारी किसको दी जाए, आपके अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, सूचना दे तो किसको दे। घर के बाहर गोली मार कर चले जा रहे हैं। देखिए आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद DGP से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, नहीं, ये सवाल आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूँ और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए पहले क्या होता था। हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है। अगर कहीं किसी की हत्या हो यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी
जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है, तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन है, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने सर मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की को रेप किया जाता है सर, कार है उसके हिसाब से काम कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी शक्ति से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट के इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के 60 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस के अधिकारी सिर्फ दावे करते नजर आ रहे हैं। पर आज नीतीश कुमार से जब रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार खींच उठे। खुलासा के लिए इशिका के साथ पटना से अनुप्रकाश और छपरा से विपिन बिहारी प्रसाद की रिपोर्ट।